होली, जिसे मौज मस्ती और रंगों का त्योहार ही कहा जाता है, एक दौर में यही होली बिना रंगों के मनाई जाती थी। जी हाँ, प्राचीन काल में होली के दिन रंग नहीं खेला जाता था। होली के दिन रंग खेलने की प्रथा काफी समय बाद शुरू हुई। होली का इतिहास वेद से प्रारंभ माना गया है। उस दौर में होली अलग तरीके से मनाई जाती थी। पूरा वैदिक काल में इस पर्व को नवत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता था। फाल्गुन मास की पूर्णमासी को खेत से अधपका अन्न लाकर उसकी यज्ञ में आहुति दी जाती थी। इस अन्न को होला कहते थे। यहीं से इस पर्व का नाम होली या होलिका उत्सव पड़ा। ये पर्व महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था। इस पर्व पर पूर्ण चंद्र की उपासना भी की जाती थी। बरसाने की सुंदर होली और गीत संगीत के साथ रंगों की बौछार वाली होली की शुरुआत 12वीं शताब्दी के बाद हुई। इसका सबसे पहला उल्लेख नारायण भट्ट द्वारा रचित भक्ति प्रदीप और भक्ति रस तरंगणी नामक पुस्तकों में मिलता है। भारत में मुगलों के शासन के दौरान भी होली मनाई जाती थी। मुगल बादशाह होली आने के पहले ही रंगोत्सव की तैयारियां शुरू करवा देते थे। अकबर के महल में सोने और चांदी के बड़े बड़े बर्तनों में केवड़े और केसर युक्त टेसू का रंग घोला जाता था और वो अपनी बेगमों के साथ होली मनाते थे। वक्त के साथ भले ही इस त्योहार को मनाने का तरीका बदल गया हो, लेकिन इस पर्व का मकसद आपसी भेदभाव को भुलाकर खुशियां मनाना ही है।